स्वागत है आपका सरिता की रसोई में। मैं आज बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड, हम सत्तू पराठा बनाने के लिए लिए हैं हरी मिर्च है, 5 से 6 हरी मिर्च हम बारीक काट लिए हैं, 1 नींबू है जो कि हम काट लिए हैं, धनिया का पत्ता है उसको भी काट लिए हैं, अदरक है उसे भी हम बारीक काट लिए हैं, 1 मीडियम साइज प्याज है इसे भी हम काट लिए हैं, 10 से 12 लहसुन का कलियां है इसे भी हम काट लिए हैं, ये अजवाइन और कलौंजी, इसे मंगरैल भी बोलते हैं, उसे हम थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं, और ये है अचार होता है ना उसका तेल है, इसको डालने से ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है सत्तू का पराठा। और नमक लिए हैं, ये है काला नमक, वाइट नमक, और ये है सत्तू, और आटा लिए हैं हम, यह है आटा। अब हम चलते हैं सत्तू का पराठा हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं। हम 1 कटोरी लिए हैं, इस कटोरी में हम डालेंगे सत्तू, रैंडम सत्तू ले लिए, मसाला बना रहे हैं पराठा में डालने के लिए ये, और इसमें हम डालेंगे लहसुन, अजवाइन, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, धनिया पत्ता, और ये अचार का तेल है और मसाला है इसे भी हम डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे काला नमक, वाइट नमक, हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, तो नींबू का रस डाल चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसे मिलाएंगे इस तरह से, इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे फ्रेंड, देख सकते हैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी मिलाकर और इस तरह से हम इसे, तो फ्रेंड इस तरह से हम सत्तू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड इस तरह हम सत्तू का मिक्सचर करेंगे तैयार, देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, ऐसे आप दबाएंगे तो इस तरह से होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, आप बाजार से ले आइएगा सत्तू, बोलिएगा चने का सत्तू चाहिए, आपको बाजार में मिल जाएगा, आप ले आकर इसी प्रकार आप बनाइएगा। तो फ्रेंड अब मेरा सत्तू बन के हो गया तैयार, अब हम आटा को गूंद लेते हैं, अब कुछ करना नहीं है, बस आटा में हम मिलाएंगे हल्दी और नमक, तो 1 चम्मच हम हल्दी मिलाएंगे और 1 चम्मच नमक, और नॉर्मल आटा की तरह गूंदना है, जैसे हम लोग रोज रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं उसी प्रकार हमको इसको गूंद लेना है। फ्रेंड इस तरह हम पानी डालकर इसे गूंद लेते हैं, बिल्कुल रोटी जैसे बनाते हैं ना उसी प्रकार हमको इसको गूंदना है। तो फ्रेंड मेरा आटा गूंदा के हो गया है तैयार, देखिए इस प्रकार आटा है, इस तरह होना चाहिए ऐसे, इसे हम बॉल बनाएंगे इसे, 6 से 7 मिनट तक आप आटा को गूंदिएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, नहीं तो आपका पराठा फूट जाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे देखिए, और इसमें हम फिर सत्तू को डालेंगे धीरे से इस तरह से, तो फ्रेंड इस तरह हम लड्डू
पूरा आटा का बना लेंगे, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बन गया है, इस तरह से फॉर्मिया बनाएंगे। मेरा आटा इस तरह से गुनाया है, देख लीजिए। और हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा, और हल्दी खाना भी चाहिए, हल्दी खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में हमको बताइएगा कैसा बना है सत्तू का पराठा। तो फ्रेंड, हम सत्तू पराठा बनाने के लिए सरसों का तेल लिए हैं, सरसों के तेल में और टेस्टी बनता है। और इस तरह से हम सत्तू भर के पेड़ा बना चुके हैं, देखिए इस तरह से इसको बेल देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फटेगा, आप अच्छा से आटा के गूंदिएगा, बिल्कुल नहीं फटेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए मेरा तवा गर्म हो चुका है, इसे हम इस तरह से डालेंगे। और फिर हम दूसरा को भी इसी तरह बेल लेंगे। इस तरह से हम आप देख सकते हैं सरसों का तेल लिए हैं। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, तेल में और भी टेस्टी लगता है। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर कलर भी आया पराठा का। हल्दी डालने से ना पराठा के और भी सुंदर कलर आता है। दूसरा भी डालेंगे इस तरह। मेरा दूसरा पराठा भी फूल चुका है, देखिए इस तरह से कितना सुंदर बना है। और ये दूसरा भी इस तरह से हम पूरे पराठा को बनाएंगे। फिर मैं आप तो फ्रेंड, मेरा पराठा बनके हो चुका है रेडी। अब हम इसे प्लेट को सजा लेते हैं। तो यह मेरा सब्जी आलू और सोयाबीन का सब्जी है, और ये है आंवला का सब्जी। फ्रेंड, प्लेट सज के हो गया तैयार देसी तरीके से। और कैसा लगा मेरा पराठा का रेसिपी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, अगर मेरा सत्तू पराठा बनाने का रेसिपी आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।